अपने आप में एक बहुत बड़ी आशा जगाता है, विश्वास का बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं, कल को, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं, ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। साथियों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम एक एक सेक्टर को पकड़कर, एक एक प्रोडक्ट को पकड़कर, एक एक सर्विस का ध्यान करते हुए होलिस्टिक तरीके से काम करें, एक एक क्षेत्र को चुन करके उस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाए। आज का ये इवेंट इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, एक मजबूत कदम है। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है। ये हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुआत है। साथियों, सेल्फ रिलायंस के संकल्प को सिद्ध करने के लिए जब पिछले महीने
आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई थी तो कई लोगों को लगता था कि एक प्रकार से एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन महीने भर के भीतर ही हर घोषणा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे एमएसएमईज के सेक्टर में हो, या फिर अब कोल और माइनिंग के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में एक साथ अनेक प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, निर्णय किए जा रहे हैं और निर्णयों को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए कितना गंभीर है, कितना कमिटेड है। आज हम सिर्फ कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। कोल सेक्टर के लॉकडाउन का क्या प्रभाव रहा है, ये मुझसे भी ज्यादा आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। सोचिए, जो देश कोल रिजर्व के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो, वो देश कोल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, कोल आयात करता है। बड़ा सवाल ये है कि जब हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, एक प्रकार से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के जो मेन ग्रुप है, हम उसमें से एक हैं, अगर ये सच्चाई है तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्यों नहीं हो सकते? और ये हम सबको अपने आप को पूछना है। और यही सवाल मेरे, आप सभी को और करोड़ों भारतीयों के मन में भी हमेशा उठता रहा है। साथियों, हमारे यहां दशकों से यही स्थिति चल रही थी। देश के कोल सेक्टर को कैप्टिव और नॉन कैप्टिव के जाल में उलझाकर रखा गया था। इसको कंपटीशन से बाहर रखा गया था। ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत बड़ी समस्या बार बार सामने आई है। ईमानदारी से ऑक्शन को छोड़िए, कोयला खदानों के अलॉटमेंट में बड़े बड़े घोटालों की चर्चा हर किसी ने सुनी है, हर समय हुई है, हर कोने में हुई है। इस वजह से देश के कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कम होता था और उसकी एफिशिएंसी भी हमेशा सवालों के घेरे में रहती थी। कोयला निकलता किसी राज्य में था, जाता सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अन्य राज्य के पावर प्लांट के लिए होता था।
जबकि वे राज्य के पावर प्लांट्स कोयले का इंतजार करे रह जाते थे। यानी काफी कुछ मिसमैनेज था, अस्त व्यस्त था। साथियों, साल 2014 के बाद स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया। ऐसे कदमों के कारण कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली। आज बड़े बड़े रिफॉर्म्स को एब्सॉर्ब करने की ताकत उसके अंदर आ रही है। अभी हाल में हमने वो रिफॉर्म्स किए जिसकी चर्चा दशकों से चल रही थी, आप लोग भी कर रहे थे, जो अपने आप को एक्सपर्ट कमेंटेटर मानते हैं वे भी कर रहे थे। अब भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नए प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए, उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है।